Saiyo. पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, मैं साई को जाकर बताता हूं। साई, पूजा की सारी तैयारियां हो गई। मालसापति जी, पहले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। काशी, मुरेश्वर, जो शिवलिंग तुम दोनों ने बनाए हैं उन्हें लेकर यहां आओ। शिवलिंग पर से कपड़ा हटाओ। बहुत सुंदर है। अद्भुत, ऐसा शिवलिंग तो मैंने किसी भी मूर्तिकार के पास नहीं देखा। बहुत अच्छे काशीनाथ। साई, लेकिन मोरेश्वर ने जो शिवलिंग बनाया है वो तो खंडित है। तो फिर क्या इसे खंडित शिवलिंग की पूजा करना उचित होगा? आपका विचार सोचने योग्य है पाटिल जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों भाइयों को एक समान मिट्टी दी थी, फिर शिवलिंग में इतना फर्क क्यों? साई, आप तो हमेशा काशी का ही पक्ष लेते हैं। क्या हुआ, मेरा बनाया हुआ शिवलिंग उससे अच्छा नहीं बना तो? काशी को तो बचपन से ही इन सब चीजों का शौक रहा है, अभ्यास है उसको, और तभी वो इस कला में पारंगत है। साई, जरूरी तो नहीं सब में सारे हुनर हो।
बहाने तुमने ये तो माना कि काशीनाथ में कोई हुनर है। और जिसमें कला हो वो नालायक नहीं हो सकता। इस सब से एक और बात साबित हो गई, गीली मिट्टी तो दोनों के पास थी, जिसने बेहतर आकार दिया उसका शिवलिंग बेहतर बना। इसका मतलब शिवलिंग अगर बिगड़ जाए तो दोष मिट्टी का नहीं, दोष गढ़ने वाले का है। साईं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि काशी के विफलताओं के लिए मैं जिम्मेदार हूं? काशी बिल्कुल भिन्न था मोरेश्वर से, बिल्कुल अलग था, लेकिन दोनों में जो असमानताएं थी उनके कारण अब काशी को नालायक मानते हैं। आप चाहते थे कि काशीनाथ भी मोरेश्वर जैसा बने, वही करे जो मोरेश्वर करता था। लेकिन जरा ये तो बताइए कि सब एक ही कर्म करने लगे तो दूसरे कर्मों को कौन करेगा? कभी ये सोचा है कि अगर हम बादल से उम्मीद करने लग जाएं कि वो हमें सूरज की तरह रोशनी दे, गर्मी दे, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, ये तो बादल के अस्तित्व को ही मिटाने वाली बात हो गई। क्योंकि बादल तो बरसात देता है, रोशनी नहीं। इस सृष्टि में हर चीज का अपना महत्व है, अपनी उपयोगिता है। फिर भी आपने बिना सोचे समझे कह दिया कि अगर मोरेश्वर दिन है तो काशी काली रात। आप भूल गए कि इस संसार को चलते रहने के लिए रात भी उतनी ही जरूरी है जितना कि दिन। अगर रात ना हो तो पेड़ पौधे गर्मी में झुलस कर मर जाएंगे, जीव जंतु आराम नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, आपके दोनों बेटों की तरह। लेकिन आपने सिर्फ एक की अहमियत समझी और दूसरे के हुनर को नजरअंदाज करते गए। परिणाम, काशी का मनोबल कमजोर पड़ता चला गया और ये निराश होकर गलत रास्ते चल पड़ा। काशी से आपने अपने आप को ही नहीं, इसके भाई से भी दूर कर दिया। इन दोनों के बीच
आपने सफलता और असफलता की, लायक और नालायकता की दीवार खड़ी कर दी। दोनों को बांट दिया आपने। साहिब, उसे बड़ी भूल हो गई। मैं हमेशा काशी को कहता था नालायक है, लेकिन नालायक तो मैं हूं। जिसे अपने बच्चे की परवरिश करना नहीं है। मुझे माफ कर दी बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। और तेरे मन में तेरे भाई के लिए जहर घोला। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं, तुम दोनों के पिता कहलाने के लायक नहीं। लाल जी, अब तक आप काशी को दोष देते आ रहे थे, अब खुद को दे रहे हैं। खामियों को ढूंढने की ये आदत ही आपके दुखों का कारण है। इसी वजह से आप अपने बेटे बहू पोते के बगैर रहे इतने साल। काशी से कुछ सीखिए बल्लाल जी। जिस तरह इसने अपने बेटे के लिए नशे की आदत छोड़ दी, उसी तरह आप भी अपने बेटे के लिए ये दोष ढूंढने की आदत छोड़ दीजिए। माफ कर दे भाई। अब हमें पूजा शुरू करनी चाहिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। जाइए दादा, शिवलिंग मैंने बना दिया है, पूजा आप कर लीजिए। बाबा, मैं चाहता हूं कि आज की पूजा हमारा काशीनाथ करे। हाँ मुरेश्वर,
मैं भी यही सोच रहा था। हाँ काशीनाथ, मोरेश्वर ठीक कह रहा है। इस बार खंडनवमी की पूजा का अधिकारी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। जाओ बेटा, जाओ। साई, आपने मुझे मेरे परिवार से मिला दिया। धन्यवाद साई। मालिक की मर्जी है काशी, अब जाओ और अपना दायित्व पूरा करो। प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है, क्योंकि उसे प्रकृति से ज्यादा विश्वास खुद पे होने लगा है। वो भूलता जा रहा है कि प्रकृति ने हमें हर बीमारी से लड़ने की क्षमता दी है। जड़ी बूटियां जो प्राणों का रक्षण करती है, सब प्रकृति से ही तो उत्पन्न होती है। और वो रंगोली जो बायजामा बना रही है, उसमें इस्तेमाल हो रहे रंग बिरंगी फूल और रंग भी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। से भाईजामा, आज ये रंगोली क्यों बना रही हो? खास वजह है। 20 साल पहले हमारा खुद का घर बना था आज ही के दिन। फिर तो ये रंगोली अपने घर के आंगन में बनानी चाहिए थी, यहाँ क्यों? सब पता होता है तुम्हें, तो फिर क्यों अपने माँ से सवाल करके उसे सताते हो? अपने घर के आंगन में रंगोली बना ली, फिर सोचा अपने बेटे के घर के आंगन में भी रंगोली बना दूं, इसलिए रंगोली बना रही हूं यहाँ। बताओ कैसी बनी है रंगोली? माँ के हाथ की हर चीज अच्छी ही होती है भाई साहब। कहने को तो तू मेरा बेटा है, लेकिन कर्मों से हमारा पालनहार। बस हम पर हमेशा अपनी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे घर को खुशहाल रखना।
मेरी कृपा दृष्टि नहीं भाई सामन, आपके घर की खुशियों का श्रेय घर के सभी सदस्यों को जाता है। इस रंगोली को देखो भाई सामन, परिवार इसी की तरह होता है, सभी सदस्यों से आबाद इन रंगों की तरह। जब तक रंग अपने दायरे में रहकर एक दूसरे का साथ देते हैं तब तक रंगोली की शोभा बढ़ाते हैं। परिवार के सदस्य भी जब तक एक दूसरे के वजूद का आदर करके अपनी अपनी सीमा में रहते हैं परिवार फलता है, समृद्ध होता है, घर में बरकत आती है, खुशियां आती हैं। लेकिन जिस दिन इन रंगों ने या परिवार के लोगों ने अलग होने की ठान ली या अपने अपने दायरे से बाहर आने लगे, तब रंगोली हो या घर, उसकी सुंदरता बिखर जाती है। साईं, तुम किसी संकट की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हो? भाई सामा, अगर आपका घर रंगोली है तो आप उस रंगोली को सीमा में बांध कर रखने वाली सीमा रेखा हो। आपको तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं एक बात जानती हूं, तुम बिना कारण ना कुछ कहते हो ना करते हो। साईं, अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझसे मत छुपाओ। वो परिवार खुशकिस्मत है जहां लोग मिलकर साथ रहते हैं, जैसे आपका परिवार। लेकिन हर कोई खुशकिस्मत नहीं होता है भाई सामा। कई ऐसे घर भी होते हैं जहां छोटी सी गलतफहमी घर को तिनके तिनके में बिखेर देती है। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। गोदावरी, क्या हुआ गोदावरी? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आओ, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। मैं गंगाधर जी के यहाँ होकर आता हूँ, उनकी पत्नी को उदी देनी है। साईं, आप तो रोज उनके घर जाते हैं, मतलब अगर सिर्फ उदी देनी है तो मैं जाकर दे आता हूँ। लाइए, मुझे दीजिए। नहीं तात्या, जिम्मेदारी मैंने ली है, निभानी भी मुझी को पड़ेगी। गंगाधर जी को जबान दी है मैंने, जब तक उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होती मैं हर रोज उनके घर जाकर उदी दिया करूंगा। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम।
साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। एक दो तीन चार पांच छह सात। आनंदी मेरे लिए खाने में क्या बना रही हो? थाली पीठ कैसा रहेगा? रोज नहीं फरमाइश, रोज अच्छा खाना, बहुत काम है मुझे। अच्छा बना देती हूँ शाम को, दो ही हाथ है मेरे। अपने ताई के दो हाथों को भूल गई क्या? और देवर जी आप? आपको जो खाना हो मुझसे कहिए, आपकी शादी के पहले मैं ही तो बना के खिलाया करती थी ना आपको। बना दूंगी आपकी मनपसंद चीजों को मैं। और वैसे भी अब आनंदी को ढेरों काम रहते हैं। धन्यवाद वहिनी। बड़े आए धन्यवाद देने वाले। पता है आनंदी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब ये बहुत छोटे थे, तब जिद किया करते थे, वहिनी आज ये बनाइए वो खिलाइए, और आज बड़े हो गए हैं तो धन्यवाद कह रहे हैं। आपकी कसरत हो जाए तो हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए थाली पीठ बना देती हूँ। ठीक है वहिनी। बेचारी गोदावरी कब से बीमार पड़ी है, साई की उदी से भी इतना मतलब रहा है। साई बता रहे थे कि अगर मर्ज पुराना हो तो उसे ठीक होने में समय लगता है। पता नहीं ईश्वर कैसे परीक्षा ले रहा है उनके परिवार की। गोदावरी और जोशी जी के दोनों बेटे, बहुएं, पोते बड़े प्यार से एक साथ रहते हैं। इस उम्र में गोदावरी और जोशी जी को उनके प्रेम का सुख भोगना था, पर गोदावरी बीमार हैं और जोशी जी इसी चिंता में डूबे रहते हैं। चिंता मत कीजिए आई, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की दया से उनके घर के सभी लोग बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे की मदद और समर्थन करने वाले हैं। आई, 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 मेरे लिए भी, मैं भी खाऊंगा आई। गोपी ज्यादा मत खाना वरना शाम की तरह गोलू हो जाएगा। काकी आप हमेशा मुझे टोकती हो। गोपी शाम की देखा देखी तू मुझे आई कहता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कितनी बार कहा है आनंदी को काकी मत कहा कर। तेरी असली माँ तो यही है ना, उसे आई कहा कर। ताई आप गोपी के लिए माँ से भी बढ़कर है, मेरे से ज्यादा देखभाल आप ही तो करती हैं उसकी। वही नहीं, आई जाग गई क्या? साई उदी लेकर आते ही होंगे। सासू भाई चक तो गई है पर आज कुछ पहले से ज्यादा ही बेचैन लग रही है। वो सोचती है कि हम उनको लेकर चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इसलिए अपनी परेशानियां हमें नहीं बोलेंगी। लेकिन देख के तो पता चलता है कि या तो उनकी तबीयत और बिगड़ रही है या तो फिर कोई और ही चिंता है जो उन्हें सता रही है। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.